आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद वर्मा जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर स्वतंत्र देव जी आज के कार्यक्रम में उपस्थित, अदानी ग्रुप के श्री गौतम भाई, पेप्सिको के श्रीमान शेख, श्री शिव नादर, श्री एन चंद्रशेखरन, श्री सी होम, श्री सुधीर भाई मेहता, डॉक्टर नरेश त्रिहान, श्री संदीप सोम और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मित्रों, मेरे लिए भी, वैसे मैं गुजरात से आता हूं और देश में सबसे सफल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत गुजरात ने करी, मगर मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं, मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य और आनंद का विषय है कि इतने कम समय में सफलता को जमीन पर उतारने में श्री योगी आदित्यनाथ सफल हुए। फरवरी 2018 में जब 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हुए, लगभग 1,000 से ज्यादा एमओयू हुए, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है और देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने की एक नई शुरुआत कर रहा है। मगर उस वक्त मुझे कल्पना नहीं थी कि एक साल के अंदर इसके 25% एमओयू धरातल पर जमीन पर देखने का दृश्य देखने को मिला। फिर 5 ही महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में लगभग 81 इकाइयों का शिलान्यास, 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ और आज लगभग 250 परियोजनाओं का शिलान्यास और 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज इस कार्यक्रम से होने जा रही है और इतने कम समय में 25% से ज्यादा एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी समग्र टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मित्रों, देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और जब नई सरकार बनी तब देश के प्रधानमंत्री जी ने ढेर सारे क्षेत्रों पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। एक छोटी सी मीटिंग के अंदर उन्होंने एक शब्द कहा था, एक वाक्य कहा था, मुझे आज भी कोट अनकोट में ढंग से याद है। उन्होंने कहा था, नियर पास्ट के अंदर जितनी भी सरकारें आई, इन्होंने सरकार चलाने के लिए सरकार चलाई है, हम देश को बदलने के लिए सरकार चलाने के लिए ये जनादेश है। हर क्षेत्र के अंदर देश को बदलने का प्रयास श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, सुरक्षा, आर्थिक विकास, संस्कृति का संवर्धन और जन भागीदारी, ये सभी क्षेत्रों को कॉन्सेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ने का देश का सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शीय विकास का एक मॉडल नरेंद्र मोदी जी ने देश के और दुनिया के सामने रखा। और मुझे मालूम है, मेरे नेता है, मैं बहुत छोटा था तब से उनके नेतृत्व में काम करता हूं, नरेंद्र मोदी जी खुली आंख के सपने देखने की आदत रखते हैं।
में तो बहुत सारे लोग स्वप्न देखते हैं, मोदी जी खुली आंख के साथ स्वप्न देखते हैं, और जो खुली आंख के साथ स्वप्न देखते हैं उनको नींद नहीं आती है जब तक स्वप्न धरातल पर नहीं उतरे। और 5 साल के अंदर देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन करने की शुरुआत की। मैं इसकी बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर आज जिस प्रकार का कार्यक्रम है मैं इसमें एक बात निश्चित करना चाहता हूं कि अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। इस पर टीका टिप्पणी करने वाले अभी भी टीका टिप्पणी करते हैं, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2019 तक ये $5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाने की नींव रखने का काम भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। और ये आज की बात नहीं, उन्होंने उसी दिन सोचा था कि भारत को कहां पहुंचाना है। और पीछे मुड़कर 5 साल के देश के अर्थतंत्र के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का एक मजबूत कॉन्क्रीट नींव डालने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने करा है। और परिणाम भी मिले। अटल जी की सरकार गई 2004 में, तब देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11th प्लेस पर था, 11वें नंबर पर था। 10 साल यूपीए की सरकार चली, 11 से टस का मस नहीं हुआ, यूपीए सिद्धि बना गिनाते थे यूपीए के लोग के नीचे नहीं गए। और एक 5 साल के अंदर 11वें नंबर पर से 6ठे नंबर पर छलांग लगाने का काम प्रधानमंत्री के लिए, और इस 5 साल के लिए लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी कि देश दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर भारत का स्थान सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, और इसी में से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का विचार है। पर कैपिटा इनकम 79,000 थी 2014 में, 2019 में 79,000 से बढ़कर एक 5 साल के अंदर ही 1,26,000 तक पहुंची, और आजादी के बाद एक 5 साल में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट माइनस पॉइंट टू थे, बढ़कर 1617 में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट +6.7 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। और ग्रोथ रेट के चारों सेक्टर में सबसे ज्यादा कठिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना होता है, मगर वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करी। इंटरेस्ट रेट में लगभग 28% की कमी करने में सफलता मिली। करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर -4.8% था, उसको 2.1 तक ले गए। फिस्कल डेफिसिट 5.9 थी, वहां से 3.3 तक ले गए। और इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में कुछ लोगों को शायद ये मेरी बात अच्छी न लगे, मगर देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि लोगों की आय बढ़ी है, क्षमता बढ़ी है, तभी तो टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स भरने वाले भी 3,80,00,000 से 3 करोड़ 80 लाख लोग थे, वहां से बढ़कर 6,70,00,000 लोग आज इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भरने वालों की संख्या भी 65,00,000 से बढ़कर 1,20,00,000 हुई। एफडीआई इनफ्लो लगभग 189 बिलियन था, वहां से बढ़कर 286 बिलियन हुआ। फॉरेक्स रिजर्व लगभग 40% की वृद्धि हुई, 304 बिलियन था। फॉरेक्स रिजर्व को जब हम 19 के चुनाव में गए 429 बिलियन तक पहुंचाया, और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में राज्यों की हिस्सेदारी भी हमने बढ़ाई। ढेर सारे परिवर्तन किए। दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स टैक्स रिफॉर्म, बिक्री कर रिफॉर्म GST आज हमारे देश के अंदर सुचारू रूप से लागू हो रहा है। जब GST का बिल लेकर आए दुनिया भर के,
इकोनॉमी को जानने वाले लोग विशेषज्ञ कहते थे भारत जैसे बड़े देश में जीएसटी सफल कैसे हो पाएगा, निश्चित पीछे कदम हटाने जीएसटी को नीचे नहीं ले जा पाए सब मानते थे, मगर आज मैं आनंद और गर्व के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक इतने बड़े देश के अंदर जीएसटी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। मित्रों, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अड़चने दूर करनी हमें मालूम है कि दुनिया ने बहुत आगे कदम बढ़ा दिए, हमारी देश की व्यवस्था को, हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी देश की सरकारों के कार्यकलापों को सुधारने की बहुत जरूरत, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत थ्रस्ट दिया, बहुत जोर दिया, राज्यों के अंदर एक तंदुरुस्त हेल्दी कंपटीशन का आगाज किया, शुरुआत की, हर राज्य अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्थान कौन सा है वो देखने के लिए हर पहली तारीख को लालायित होता था, इस प्रकार की स्पर्धा का निर्माण किया, और उसका परिणाम क्या हुआ, जब राज्य अपने मानांकों को सुधारते गए तो देश का मानांक सुधरना बहुत स्वाभाविक था, जब राज्य अपने मानांक सुधारते गए देश का भी मानांक सुधरा, सिर्फ 5 साल के अंदर विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के